नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त तो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बस अड्डे के सामने एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी के नेतृत्व में जिले में हो रहे मोटर वाहनों से घटनाओं के मद्देनजर एक नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान वहाँ एआरटीओ माला वाजपेयी ने बिना हेलमेट मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को गुलाब देकर दुर्घटनाओं के विषय पर विस्तृत जानकारी भी ली। सुल्तानपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद की अगुवाई में सफाईयों ने कलेक्ट्रेट के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर महंगाई कम करने की मांग भी की। सुल्तानपुर में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष कॉमरेड शारदा प्रसाद पांडे, उपाध्यक्ष कॉमरेड मोहम्मद नईम खान और AISF के जिला अध्यक्ष नोमान खान समेत कई अन्य ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कैंप कार्यालय में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने संकलित किए गए नमूनों की जानकारी के साथ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्भय नारायण सिन्हा से कई अन्य चीजों पर बात भी की। अमेठी के शुक्ल बाजार क्षेत्र के भिटवा गांव में भाले सुल्तान वाली वॉलीबॉल प्रतियोगिता का वार्षिक आयोजन किया गया। इस दौरान वहां करीब 16 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वहां भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। अमेठी में ब्लॉक भादर थाना रामगंज में CRPF ग्रुप सेंटर के अंदर पुलिसकर्मियों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान वहां 5 बूथ बनाए गए थे। आपको बता दें कि जिसमें जिले के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ साथ पीपरपुर थाने रामगंज चौकी के पुलिसकर्मियों का भी टीकाकरण किया गया। अमेठी में कृषि बिल के विरोध को लेकर किसान यूनियन की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि महिलाओं ने सब्जी मंडी से निकल कर गौरीगंज रेलवे स्टेशन तक प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कानून को वापस लेने की मांग भी की। अमेठी में पिछले कई दिनों से कोरोना मरीज नहीं मिल रहे हैं और यही वजह है कि जिला अब कोरोना मुक्त हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जिले में 6 फरवरी को लास्ट कोरोना पेशेंट मिला था। इसके बाद से वहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। अमेठी में कांग्रेस प्रदेश सोशल मीडिया उपाध्यक्ष पंखुड़ी पाठक के कांग्रेस कार्यालय पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पंखुड़ी पाठक ने सभी को पार्टी में ऑनलाइन सदस्यता के दिलाने के लिए टोल फ्री नंबर और सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां करीब 16 जोड़ों की शादी कराई गई। हालांकि इस दौरान वहां कार्यक्रम में सभी ने कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। बहराइच में मौजूद हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बसंत मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां भारी तादाद में जायरीन पहुंचे। आपको बता दें कि ये मेला 3 दिनों तक चलेगा। बाराबंकी में कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोको आंदोलन के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि पुलिस कप्तान ने किसान नेताओं से वार्ता करके कार्यक्रम को होने नहीं दिया। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन का रेल रोको आंदोलन कामयाब नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद में स्टेशन पर पहुंचे किसान यूनियन के सिपाहियों को वहां पहुंचे सिटी मैजिस्ट्रेट रामजी मिश्र और CO सिटी विद्या किशोर ने किसान नेता हसीब अहमद को समझाकर और उनके किसान साथियों को समझाकर रेल रोको आंदोलन को खत्म करा दिया। हरिद्वार के सिटकुल में 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था, जो कल यानी 17 फरवरी को संपन्न हो गया। वहीं इस अभियान के संपन्न होने के साथ ही एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें ARTO सुरेंद्र नेगी ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की सलाह देते हुए कम उम्र के बच्चों के परिजनों को अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के वाहन चलाने की अनुमति न देने की सलाह दी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।